स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं संजीव मौजूद हूं आज एक नए वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको ले जाऊंगा पवित्र पावन भूमि गया जी के विष्णुपद मंदिर में। तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं संजीव आज आपको ले आया हूँ पावन भूमि गया में, और यहाँ पर मैं आपको विष्णुपद मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ और अपने कैमरे से शूट करके यहाँ की संपूर्ण झांकियाँ आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम जा रहे हैं अभी विष्णुपद मंदिर, और ये जो रोड है ये जाती है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर जो गया के पावन तीर्थों में शुमार हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक में गिना जाता है। ये मंदिर गया बिहार भारत में फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है, जिसे भगवान विष्णु के एक पद चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसे धर्मशिला के रूप में जाना जाता है, जो बेसाल्ट के एक खंड में उकेरा गया है। दोस्तों चलिए अब मैं आपको विष्णुपद के एक प्राचीन कथा की जानकारी देता हूँ। दोस्तों एक बार गयासुर नाम के एक राक्षस ने घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि जो भी उसे देखे वह मोक्ष प्राप्ति करे। चूंकि जीवन में धर्मी होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोगों ने इसे आसानी से प्राप्त करना शुरू कर दिया। अनैतिक लोगों को मोक्ष प्राप्त करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर को पृथ्वी के नीचे जाने के लिए कहा और असुर के सिर पर अपना दाहिना पैर रखकर ऐसा किया। गयासुर को पृथ्वी की सतह से नीचे धकेलने के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्ह सतह पर बने रहे, जो हम आज भी देखते हैं। पद चिन्ह में शंख, चक्र और गदा सहित 9 अलग अलग प्रतीक हैं। ये भगवान के हथियार माने जाते हैं। गयासुर अब धरती में धकेल कर भोजन की याचना करने लगा। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि हर दिन कोई न कोई उन्हें भोजन कराएगा। जो भी ऐसा करेगा उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाएगी। जिस दिन गयासुर को भोजन नहीं मिलेगा, माना जाता है कि वह बाहर आ जाएगा। हर दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से कोई न कोई अपने दिवंगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करेगा और गयासुर को भोजन कराकर भोजन प्रदान करेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामने यही है विष्णुपद मंदिर का मुख्य द्वार, और वहां पर लिखा हुआ है श्री विष्णुपद वेदी गया धाम। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर पितृपक्ष में काफी मेला लगता है और काफी भीड़ होता है। दोस्तों अभी जो झांकी आप देख रहे हैं, ये विष्णुपद मंदिर के अंदर का प्रांगण है, और आप देख सकते हैं काले काले पत्थरों से कितना गजब का ये मंदिर लग रहा है। और कुछ इस तरह से अभी पितृपक्ष का मेला तुरंत पार हुआ है, तो ये मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। दोस्तों गया जंक्शन से विष्णुपद मंदिर की दूरी मात्र 4.1 किलोमीटर की है, और 14 से 15 मिनट में ये दूरी तय की जा सकती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ऑटो, ई रिक्शा या प्राइवेट कार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों
तो मंदिर के निर्माण की तिथि अज्ञात है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ इस स्थान का दौरा किया था। वर्तमान समय की संरचना को इंदौर की शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में फल्गु नदी के तट पर फिर से बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का निर्माण किया था अपने अधिकारियों को निरीक्षण करने और पूरे क्षेत्र में मंदिर के लिए सबसे अच्छा पत्थर खोजने के लिए भेजा था और अंततः उन्होंने मुंगेर के जयनगर में सबसे अच्छा विकल्प के रूप में पाया था। चूंकि कोई उचित सड़क नहीं थी और पहाड़ गया से बहुत दूर थे, अधिकारियों को एक और पहाड़ मिला जहां वे तराश सकते थे और आसानी से पत्थर को गया तक ला सकते थे। ये स्थान बथानी, जो कि गया जिले का एक छोटा सा गांव है, के पास था। अधिकारी राजस्थान से कारीगरों को लेकर आए। उन्होंने पाथरकट्टी, एक गांव और बिहार में एक पर्यटन स्थल के रूप में जो जाना जाता है, में मंदिर की नक्काशी शुरू कर दी। अंतिम मंदिर विष्णुपद मंदिर स्थल के पास गया में इकट्ठा किया गया था। मंदिर का निर्माण पूरा करने के बाद कई शिल्पकार अपने मूल स्थानों पर लौट आए, लेकिन उनमें से कुछ पत्थरकट्टी गांव में ही बस गए। बिहार सरकार ने इस स्थान को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में चिन्हित किया है। विष्णुपद मंदिर के दक्षिण पश्चिम में ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी की ओर जाने वाली 1000 पत्थर की सीढ़ियां गया शहर और विष्णुपद मंदिर का दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो एक पर्यटन स्थल है। इस मंदिर के पास कई छोटे मंदिर भी हैं। दोस्तों, अभी जो नज़ारे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गया के विष्णुपद मंदिर के सामने अवस्थित प्रांगण का है, जहां पर मेला लगता है। इसके साथ ही साथ प्रसाद, भोग, बच्चों के खिलौने, जूते चप्पल रखने की जगह और प्याऊ और बहुत सारे ऐसे यहां पर सुविधाएं मौजूद हैं, जो कि यहां पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान करता है और उन्हें फिर से यहां पर आने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार सरकार के द्वारा यहां पर साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। चूंकि ये बिहार का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, इसीलिए गया के विष्णुपद मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, गया के विष्णुपद की ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर फ्यूचर में आप और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स इस चैनल पर देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपने अभी तक हमारे पहले यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट करिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और जानकारियाँ दी जाती है। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।